हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली डेसिमल नंबर होगा। अब जैसे ये नंबर लाइन है, 1, इधर पॉजिटिव रहता है और इधर साइड क्या रहता है, नेगेटिव, ठीक है। इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर। अब जैसे 2.4 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2.4 है तो ये 2 से ज़्यादा है और 3 से क्या है, कम है, ठीक है। तो 2 और 3 को मैग्नीफाई करेंगे यहाँ पे। इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, मान के चलते हैं ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, सिंपली क्या कीजिए, बीच में कैसे लकीर खींच के इधर साइड 4 लकीर कीजिए, 1, 2, 3, 4, फिर इधर भी 1, 2, 3, 4। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2.1, 2 से ज़्यादा है, 3 से क्या है, कम है। ये होगा 2.2, ये होगा 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये होगा 2.9 और ये हमारा हो गया 3। तो इसमें आपको मार्क क्या करना था, ये 2.4, तो हम यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर देंगे, ठीक है। ए डिनोट्स क्या, 2.4, ठीक है। अब ये 2.4 ना होके 2.45 होता तो क्या करते हैं, तो देखिए ये 2.45 है, मतलब ये 2.4 से बड़ा है और 2.5 से क्या है, छोटा है। तो अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2.4, ये हमारा हो जाएगा 2.5। ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 2.4 और ये हो गया हमारा 2.5। इसके बीच में एक लकीर खींचिए और उससे पहले 4 लकीर खींचना है आपको इक्वल पोजीशन पे और इधर भी 4, ठीक है। और देखिए मार्क कीजिएगा ऐसे करके, 2.41 होगा, 2.4 के बाद क्या आएगा, 2.41, ये हो जाएगा 2.42, ये हो जाएगा 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, ये हो जाएगा 2.49 और ये 2.5, ठीक है। आपको मार्क करना था 2.45, देखिए यहाँ पे 2.45, ठीक है। ऐसे ही अगर रहेगा 2.457, तो देखिए ये 5 से ज़्यादा है पर 6 से क्या है, कम है, तो ये दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। और ऐसे नंबर आते चला जाएगा, हम लोग मैग्नीफाई भी क्या करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, विजुअलाइज 3.765 ऑन अ नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है। 3.765 को हम लोग को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। देखिए कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, देखिए ये 3 है, मतलब 3 और 4 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0, इधर नेगेटिव नंबर, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, मीन्स ये नंबर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लाई करेगा, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे हम लोग ऐसे करके, स्केल से आप बनाइएगा। ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, इसको ऐसे इधर, इसको ऐसे, देखिए बीच में करना है इधर 4, 1, 2, 3, 4,
फिर इधर भी चार, ये हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4, ठीक है। देखिए आपका पहला क्या है, 3.7 मीन्स ये नंबर और ये नंबर के बीच में आएगा, ठीक है। अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3.7, ये हमारा हो जाएगा 3.8, ठीक है। सेम तरीके से करेंगे, 1, 2, 3, 4 इधर भी, ये 3.7, देखिए 7 से स्टार्ट है ना, ये पहला नंबर हमारा 1 होगा, 3.7 2, 3.7 3, 3.7 4, 3.7 5, 3.7 6, 3.7 7, 3.7 8, 3.7 9। ये आपको जो डिस्टेंस लेना है वो इक्वल डिस्टेंस लेना है, आप स्केल से बनाइएगा, एक एक सेंटीमीटर का आप क्या ले सकते हैं गैप में बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 3.76 ये और इसके बीच में लाई करेगा, फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, देखिए ये लाइन बनाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे करके स्केल से बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये नंबर के बीच में लाई कर रहा है, एक और नंबर लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3.76, ये हो जाएगा हमारा 3.77, फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा, देखिए 3.76 लिखना है, उसके बाद 1, 3.76 2, 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, 3.766, 3.767, 3.768 और ये रहेगा 3.769, ठीक है। आपको मार्क करना था 765 वाला, ठीक है। देखिए ये वाला ए डिनोट कर दीजिए, लिख लीजिएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 3.765, मार्क हो गया ए का पोजीशन। ये देखिए फिर इसको स्केल से ऐसे मिलाना है और यहाँ पे इसको मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है डेसिमल नंबर को, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजुअलाइज 4.26 ऑन अ नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। देखिए ऐसे दिया हुआ है नंबर आपको 4.26, अब 4 डेसिमल नंबर तक करना है, मीन्स आपको 4.2626 ये चार डेसिमल नंबर आ गया हमारा, ये आपको डिनोट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेम तरीका है, वन टू थ्री फोर फाइव, देखिए 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है 5 से कम है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये होगा 4.1, 4.2, 6, 4.7, 4.8, 4.9। देखिए क्या है 4.26 ना, देखिए 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम 4.2, यह होगा 4.3, 1, 2, 3, 4 ये होगा 4.21, 4.22, 4.23, 24, 4.25, 4.26, 27, 8, 4.29। देखिए 26 है, ये 26 और 7 के बीच में लाई करेगा, इस दोनों के बीच में, यहाँ पे इस दोनों के बीच में था। फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे, 4.26 है या 4.27 है, फोर पॉइंट टू सिक्स वन
4.26, 4.26, 4.26, 4.26, 4. ऐसे करके आपको बनाते चले जाना है, ठीक है? कब तक? जब तक 2626 ना आ जाए। 4.265 66, 4.267, 4.268, 4.269, ठीक है? अब देखिए 266 है, 4.2626, देखिए 4.262 आ गया है। अब हमको लास्ट 6 चाहिए, तो इस डिजिट और इस डिजिट के बीच में आएगा कहीं पे। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.262, ये हो जाएगा हमारा 4.263। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4.2621। स्टार्टिंग हमेशा ये करना है वन से ही, ठीक है? तो 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2624, 4.2628, 4.2628, 4.2628, 4.2628, 4.2628, 4.2628, 4.2628, 4.2628, 4.2628, 4.2629, ठीक है? देखिए आपको 4.2626 करना था, देखिए ये आ रहा आपका 4.2626। इसको मान के चलते हैं ए चाहे बी मार्क कर दीजिए, बी का वैल्यू पे क्या आ गया, 4.2626, ठीक है? तो ऐसे आपको बनाना है, ये 4 को ऐसे करना है, स्केल से मिलाना है, इसको ऐसे कीजिएगा, फिर इसको ऐसे कीजिएगा, बनाने के बाद आप ऐसे करके मिला लीजिएगा, ठीक है? तो ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे।